होने के पूरे लग गया है इनको हार का एक करारा प्रहार। ऐसी क्रिकेट मतलब क्या आप ये कहोगे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स लोएस्ट? क्या कहोगे आप जो इनके हालात दिख रहे हैं भी जिस तरह ये क्रिकेट खेल रहे हैं? ये इससे बुरा होगा, इससे मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि एट इट्स लोएस्ट वाली बात है। सीधी सी बात है, पाकिस्तान के पास टीम थी, इतनी बुरी टीम नहीं थी। वहां पे हुज्जतबाजी कर करके लोगों ने हुज्जतबाजी कर करके क्यों, हर किसी का एजेंडा है, हर किसी का एजेंडा है। वहां पे जो पैदा होता उठता है अपना एजेंडा लेके आ जाता है, ठीक है। अब उन्होंने अपनी पैर पे गुल्हाड़ी मार ली। एक मैच हारे थे ना ये कोलंबो में, तो ये सोशल मीडिया और ये जो इनके जो वो थे उन्होंने तो फिर वो करना शुरू किया, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। और तुम कौन सा 30 मार खा थे, एक को हटा के कौन सा ले आओगे? आज ये बाबर आजम को हटा के सरफराज को ले आएंगे? आई मीन कम ऑन, थिंक अबाउट इट। दूसरी बात ये है मनोज, देखो मैं अब तक इस वर्ल्ड कप में ना खामोश था, मैंने कहा कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर ये लोग क्या करते हैं ज्यादातर लोग, रोना पीटना। कल क्या चल रहा था वहां से, चेन्नई में खेल रहे हैं, चेन्नई में खेल रहे हैं, इंडिया वाली विकेट पे खेल रहे हैं, ये कोई बात हुई? आईसीसी से कंप्लेंट, शीशे वाली विकेट पे खेले, शीशे की विकेट पे खेले, बिल्कुल सामने वाली टीम ने 200 अफगानिस्तान के लिए भी तो वही विकेट थी भाई साहब, सामने वाली टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पे चेस हलवे की तरह। आप एक मैच खेले बैंगलोर में और अ वेरी गुड विकेट, आप रोते किस चीज को हो यार? अगर आपके क्राउड के आपके प्लेयर के साथ कुछ बुरा हुआ वो आप कहो, हर चीज में नुक्ताचीनी, हर चीज में नुक्ताचीनी, ये इंडिया वहां पे क्यों खेल रहा है? ऐसे नहीं होता है। And I know कि जो पाकिस्तान के जो असली क्रिकेट फैंस हैं, they will be disappointed। और ये तमाशबीन जो है ना, तमाशबीन जो मजे जो अभी अभी तक इंडिया के मजे ले रहे थे, वही लोग पाकिस्तान के मजे लेंगे, वो अपनी ही टीम के मजे लेंगे सर। लेकिन वो अपनी टीम के साथ खड़े नहीं हो सकते। पाकिस्तान की टीम नंबर वन करती रहती थी, आपको इतने नंबर नीचे की टीम ने हरा दिया सिर्फ रैंकिंग से कह के। आप सोशल मीडिया पर जो उनके तरफ के लोग हैं या फिर जो भी है, क्या देना? नंबर वन थे, बाबर आजम नंबर वन है तो नंबर वन है, उसमें क्या कर सकते हो? बट फैक्ट इज कि हाँ, वहां पर कोई ये बात जो कुछ प्लेयर्स अब कह ही रहे थे ना, मिसबा ने बात बोली तो मिसबा और हक की तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, वसीम अकरम ने बोला तो उनका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। उन्होंने क्या झूठ बोला? उन्होंने कहा ना ऐसा है, आप ए कैटेगरी टीम्स को तो खेलते नहीं। आप नीचे खेलते 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 वो और टोबे के डड्डू बन जाते हो। आप टोबे के डड्डू बन बन के नंबर वन हार कोई भी सकता है दीपक, ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं हार सकता था, कोई भी हार सकता था, बट आप अपनी परफॉर्मेंस। और दूसरी बात, आप ये भूल रहे हो, हमें लग रहा है आज कि अफगानिस्तान जो छोटी टीम है पाकिस्तान को फर्क नहीं है। 3 मैच हुए थे ना एशिया कप से पहले, 3 मैच हमने यहां पे लाइव किए थे।